दोस्तों पैन कार्ड एप्लीकेशन भरते समय आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर की जरूरत होगी और ये सारे कोड के बिना आप कोई भी पैन कार्ड एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते, कोई भी पैन कार्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये सारे कोड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और अपने एरिया की ये सारे कोड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आप सिर्फ एक मिनट में ये सारे कोड आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। कैसे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर आप निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। नहीं तो आप अपने फोन में किसी भी ब्राउजर ओपन करके incometax.gov.in इतना लिखने के बाद आप सर्च करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद आपके सामने कुछ इसी तरह इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो योर एओ दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ा लोडिंग लेगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आया है पैन नंबर, यहाँ पर पैन लिखा है, तो आपको इस बॉक्स में अपने फैमिली कि किसी भी सदस्य का पैन कार्ड नंबर इस बॉक्स में आपको इंटर करना है। और यहाँ पर आप कोई भी एक मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं, इसमें एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप जो पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे उस पैन कार्ड के साथ यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे वो लिंक हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं एक ओटीपी के लिए। इसके बाद पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद आपके फोन में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको इस सारे बॉक्स में इंटर करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलेगा वैलिडेट, आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इसी तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर आपके पैन कार्ड के साथ यहाँ पर अपनी फैमिली की जो भी पैन कार्ड अपने नंबर पैन कार्ड नंबर इंटर किया है उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स लिखा है, यहाँ पर उनके पैन कार्ड के साथ जो भी डिटेल्स उनका लिंक है सारे के सारे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे कोड आप अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन में ये भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके एरिया की कोड है, ये सारे कोड आपके सिटी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कोड आपको मिलेगा ये सारे कोड आप यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस इसी तरह आप एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर आप इसी तरह निकाल सकते हैं, ये है सबसे आसान तरीका। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।